दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एक ऐसा बिजनेस स्टार्टअप जो कि एक बहुत कम लागत से आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं और स्लोली ग्रेजुअली जब आप मार्केट में अपनी जगह बना लें फिर उसके बाद जो है अभी थोड़ा सा और बड़ा इन्वेस्टमेंट करके जो है आप ऑटोमेटिक मशीनों पे जो है शिफ्ट हो सकते हैं और पूरा का पूरा अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। सो दोस्तों आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ पेन बनाने का बिजनेस। जी हाँ, पेन बनाने का बिजनेस जो है वो काफ़ी ही अच्छा है। वो किस तरह से पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। सो दोस्तों मुझे ये आज चीज़ तो आपको बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि पेन की क्या मार्केट के अंदर इम्पॉर्टेंस है और हर किसी की जेब के अंदर जो है पेन है और इसकी मार्केट के अंदर जो है डिमांड किस तरह से रहती है ये तो हर किसी को मालूम ही है। अगर नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि पेन जो है एक रेगुलर कंजम्पशन वाला जो है आइटम है जो कि डेली बेसिस पे हर बिजनेस के अंदर, हर स्कूल कॉलेज, हर जगह पे जो है इस्तेमाल होता है। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह पे पेन का इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से जो है पेन बनाने का बिजनेस जो है एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जो कि एक बहुत कम लागत से जो है स्टार्ट किया जा सकता है। सो दोस्तों चलिए इस बिजनेस के पूरी डिटेल को एक और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं सो दोस्तों आपको पेन अगर बनाने का काम जो है आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए है पेन का रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो किस क्या क्या हैं। पहला है बैरल। तो बैरल जो है उस पेन का वो हिस्सा है जिसके अंदर जो है इंक जो है फिल करी जाती है। सो दोस्तों दूसरा है टिप, जो आगे पिन के बिल्कुल टिप होती है जिससे लिखा जाता है। और तीसरा है अडेप्टर जो उस टिप को और उस बैरल को दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि इंक बैरल से जो है पूरी टिप तक लेके आता है। उसके बाद जो है कैप, जो कि हमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैप का क्या काम है। तो ये तो था रॉ मटेरियल, आपको पेन के लिए क्या क्या पार्ट्स जो मटेरियल है वो कौन कौन से चाहिए हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं ये पूरा आगे कहाँ से मिलेगा, कैसे सोर्स होगा, मैं आगे बताता हूँ। सो उसके बाद अब हम बात करें कि अगर हम जो पेन अगर बनाने का बिजनेस अगर शुरू करते हैं सो यहाँ पे हम मैं आपको बता दूँ कि आप जो है तीन तरह के पेन बनाने से शुरुआत कर सकते हैं जिसमें बहुत ही कम लागत लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आप कौन कौन से पेन जो है किस किस वैल्यू के आप स्टार्ट करें, तो पहला जो है आपको जो मैं बोलूँगा जो मार्केट के अंदर 2 रुपए का पेन मिलता है आप वो एक तो ले लें। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 2 रुपए का पेन अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं घर पे तो आपको जो है इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कुछ 96 पैसा पड़ेगी। और वहीं पे अगर आप इसको सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 1 रुपया 30 पैसे से लेके 1 रुपया 40 पैसे तक जो है आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं रिटेलर्स को। सो यहाँ पे रिटेलर जो है उसी पेन को जो आपने 1 रुपया 30 या 1 रुपया 40 पैसे में उनको दिया है वही जो पेन है मार्केट के अंदर 2 रुपये का सेल होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि हमारा इस 2 रुपए का अगर हम पेन का पूरा प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको 30 से 40 पैसे जो है पर पेन आपको मिलता है। अब इसके बाद में दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो पेन है जो कि 3 रुपए का सेल होता है। तो वहां पे आपको जो मैन्युफैक्चरिंग है एक पेन की आपकी कॉस्ट है वो है 1 रुपया 20 पैसा और वहीं पे इसका जो आप सेल कर सकते हो रिटेलर्स को वो है 1 रुपया 60 पैसे से लेके 1 रुपया 70 पैसे तक जो है रिटेलर को आप इसको सेल कर सकते हो। तो वहीं पे अगर प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो यहाँ पे 40 to 50 पैसा जो है आपको पर पेन जो है प्रॉफिट होता है। सो दोस्तों तीसरा जो पेन है वो है 5 रुपए वाला, जो तीसरी कैटेगरी है वो आपको पड़ता है पूरा अगर मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो आपको जो उसकी कॉस्ट पड़ती है 1 रुपया 40 पैसा पर
का जो है एक पेन आपके कॉस्टिंग आती है, और वहीं पे आप जो इसको सेल करते हो 1.90 रुपये या 2 रुपये तक आप उसको सेल कर सकते हो रिटेलर्स को, और रिटेलर उस पेन को जो है आगे 5 रुपये में सेल करता है। सो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 50 पैसे से 60 पैसे तक जो है पर पेन आपको जो है सेविंग प्रॉफिट होता है। सो दोस्तों ये तो 3 कैटेगरी हैं जो आप एक जो भी मशीनें ले उनमें आप 3 कैटेगरी के तो आप मिनिमम आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें 2 रुपये वाला पेन है, 3 रुपये वाला है और 5 रुपये वाला पेन है। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ये पेन सेल कहाँ करने हैं और आपका जो सेलिंग जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन होने होंगे। सो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो पेन हम जो है एंड यूजर जो है वो खरीदता है रिटेल शॉप, यानी कि हर दुकान पे, चाहे वो किराने की हो या स्टेशनरी की हो या और कोई जनरल स्टोर वगैरह हो, हर किसी पे भी है जो पेन आपको मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी आपके इस तरह के पेन देखते हैं वो सारी दुकानें जो हैं वो आपका टारगेट ऑडियंस है। तो आप जो है हर दुकान, हर स्टेशनरी की दुकान, हर जनरल स्टोर पे जाके ये चीज़ें जो है अपने पेन, अपने ब्रांड को जो है आप प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पे उनको जाके सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ सेलिंग की किस तरह से आपको करना है, तो सेलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप डेली का टारगेट बना लीजिए कि आपको मिनिमम 10 दुकानों पे जाके अपने पेन के बारे में, अपने पेन जो है उसको सेल करने हैं। सो अगर महीने की बात करूँ तो आप जो है 300 दुकानें जो हैं आपको जो कवर कर लेंगे। सो दोस्तों अगर मैं मानता हूँ कि 200 दुकानें आपसे पहले महीने जो है आपको मटेरियल खरीदने से मना कर देती हैं, लेकिन 100 दुकानें फिर भी आपके पास पहले महीने से आपको मिल जाएंगी जो कि आपका मटेरियल खरीदेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको क्वालिटी या उसमें जो चीज़ें हैं इंक है, बेसिकली क्वालिटी के नाम पे जो इंक होती है वो उसका ही आपको ध्यान रखना है। तो और आप जो मैं सजेस्ट करूँगा कि जिस तरह की ये एक पेन है तो आप जब भी मैन्युफैक्चर करें तो अपना खुद का एक ब्रांड बनाएं, उसका ब्रांड उसके ऊपर प्रिंट कराएं और फिर मार्केट में जाके उसको सेल करें, ताकि जो है अगर कोई कंप्लेन भी आती है, कुछ भी है, अगर कोई रिटेल वाला आपको कंप्लेन करता तो आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग से जो है, आपकी फैक्ट्री से जो है वो पेन बिका है या कहीं और से मटेरियल आके वो सेल हुआ है वहाँ पे। सो दोस्तों ये तो हो गए टारगेट ऑडियंस आपका कौन रहेगा सेलिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं कि हमें महीने का प्रॉफिट कितना होगा। सो दोस्तों अगर आप ये 3 तरह के ब्रांड के अगर आप पेन जो है मैन्युफैक्चर करते हैं 3 कैटेगरी में, सो दोस्तों यहाँ पे महीने का आप कम से कम 20,000 से 25,000 रुपया आसानी से जो है पहले 2-3 महीने तक आप आराम से हर महीने इतना पैसा कमा सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि इस पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको किस तरह की मशीनें चाहिए होती हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको 2 तरह की मशीनें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। एक है मैन्युअली ऑपरेट, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप हाथ से जो है ऑपरेट कर सकते हैं और हाथ से पूरी मैन्युफैक्चरिंग पेन की जो है, चाहे उसका अडेप्टर लगाने की बात हो, चाहे उसकी टिप लगाने की बात हो या उसमें अंदर इंक फिलिंग की बात हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर उसके ऊपर पूरे अपना ब्रांड प्रिंटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं आप अपने मैनुअली अब हाथ से बिना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। सो दोस्तों अब जो है आपका अगर दूसरी बात करूं कि आपका अगर बिजनेस जो है बड़े स्केल से स्टार्ट करना है तो मार्केट के अंदर जो है आपको ऑटोमेटिक मशीनें भी मिल जाती हैं, जहां पे आपको जो रॉ मटेरियल है वो उनके अंदर डाल देना है और वो मशीनें जो हैं आपको पूरा का पूरा जो मटेरियल है उसको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर देंगी। अडेप्टर लग जाएगा, उसके अंदर टिप लग जाएगी, उसके अंदर इंक भर के वो पेन जो है रेडी टू यूज़ के लिए जो है आपको एंड पे मिल जाएगा। सो दोस्तों ये 2 तरह की मशीनें जो हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अब इन मशीनों को आप कहाँ से खरीद सकते हैं? सो दोस्तों ये मशीनें जो हैं, अगर मैनुअल मशीन की बात करूं तो दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन वेंडर भी अवेलेबल हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए हुए हैं, ऑनलाइन वेंडर जो हैं आप वहां से जाके देख सकते हैं। वहां पे जो लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जो वहां पे पेज आपके सामने ओपन होगा, उस पेज के ऊपर में आपको जो है मैनुअल मशीन प्लस ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं
दोनों ही वहां पे वेंडर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। या तो आपको जो भी मशीन का चाहिए है आप उस मशीन वेंडर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से ये चीजें मंगवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन मशीनों की जो कॉस्टिंग है वो किस तरह से है। तो अगर मैनुअली ऑपरेटेड मशीनें जो हैं वो आपको 20 से 25,000 के बीच में जो है अवेलेबल हो जाती हैं, और पूरी जिसमें आपका उस टिप फिटिंग की बात करो, चाहे उसमें अडेप्टर फिटिंग की बात करो या इंक फिलिंग की बात करो या फिर उसमें ब्रांडिंग प्रिंटिंग की बात करो, तो ये सारी मशीनें जो है 20 से 25,000 के बीच में ही आपको अवेलेबल पूरी का पूरा सेट जो है आपको मिल जाएगा। सो अगर आप ऑटोमेटिक मशीनों की अगर बात करें तो वो मशीनें आपको कम से कम 6 लाख से 8 लाख के बीच में या 10 लाख फिर वो आगे रेंज है काफ़ी हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा फिर आगे ऑटोमेटिक मशीनों का सेटअप करना चाहते हैं। तो ये मिनिमम आपको उसके लिए 6 लाख तो चाहिए ही होगा। तो ऑटोमेटिक मशीनों को जगह भी ज़्यादा चाहिए है, और ये जो आप मैनुअली मशीन ऑपरेटेड मशीनें हैं ये मशीनें जो हैं आप आराम से घर पे छोटी सी जगह पे भी इनको सेट करके पूरा का पूरा पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैनुअली ऑपरेटेड मशीनें कितना प्रोडक्शन कर सकती हैं पर डे पे, और वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक मशीनें जो हैं वो पर डे आपको अप्रॉक्स कितना प्रोडक्शन करके दे सकती हैं। तो मैनुअली अगर ऑपरेटेड मशीनों की बात करें तो यहाँ पे आपको 2000 नंबर्स जो पेन है आप एक दिन के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट रेडी कर सकते हैं, जिसमें आपको कम से कम 9 घंटे का टाइम आपको लग सकता है। जैसे जैसे आप जो है उसमें रेगुलर करेंगे तो आपकी स्पीड जो है और बढ़ सकती है। तो वहीं अब हम ऑटोमेटिक मशीनों की बात करें तो ऑटोमेटिक मशीन में कम से कम 60,000 से 70,000 जो पेन है आप एक दिन के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो मैंने जो बताया है कि आप जो है अगर मैनुअली मशीन जो है अगर उससे करते हैं तो आप 20 से 25,000 जो है महीने का कमा सकते हैं, और वहीं पे अगर ऑटोमेटिक मशीनों की बात करूं तो आप 70,000 से 80,000 रुपया पर मंथ जो है आराम से कमाया जा सकता है। सो दोस्तों ये तो थे हमारा पेन बनाने की मशीन का कंप्लीट डिटेल्स की आप ये बिजनेस जो है किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें अब बात कर लेते हैं इसकी मटेरियल की, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो जो भी सप्लायर्स हैं मशीनों के उनके पास भी आपको ये मटेरियल रॉ मटेरियल इन पेनों का आपको मिल जाएगा, और वहीं पे अगर आप इनसे नहीं खरीदना चाहते तो बहुत सारे ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं वेंडर्स जो आपको इन पेनों का मटेरियल जो है वो आपको सप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो थी कंप्लीट गाइड जो है आप पेन मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए होता है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर वेंडर के बारे में जानना चाहते हैं तो एक वेंडर का मैं जो है आप नाम जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप जो है मैनुअली ऑपरेटेड मशीन जो है काफ़ी अच्छी है उनकी, तो वो चीज़ जो है आप जाके उस लिंक के ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है कंप्लीट गाइड भी मिल जाएगी आपको, वहाँ से रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, और आप उस वहाँ से अगर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो खरीद सकते हैं। इनके पास सिर्फ मैनुअली ऑपरेटेड मशीनें अवेलेबल हैं, ऑटोमेटिक जो है उसके लिए आपको जो है मैंने ऑनलाइन का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके आप जो डायरेक्ट वेंडर्स को कॉन्टैक्ट करके आप खरीद सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते आपको एक नया बिजनेस आइडिया मिलने वाला है, और कौन सा बिजनेस किस तरह से चलता है, क्या क्या आपको करना पड़ता है, वो सारी डिटेल जो है हम कंप्लीट आपसे शेयर करते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स। प्रेजेंटेड बाय 4 मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन।